कांग्रेस प्रत्याशी का विवादित बयान, कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान का बयान, कहा सरकार आने पर कुछ को सबक सिखाएंगे। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मामन खान। वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूँ जिन जिन्होंने लिस्ट दी है। किसी भी सूरत में पक्षों में नहीं, या तो उनको मेवा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। नहीं है तो भाई मम्मन चाहिए ना, तो कुछ ना चाहिए। अगर काई ने मम्मन की हराना की बात करी तो बिल्कुल गोली मार दी। बर्मा के हों जी? हाँ, बर्मा से। हम तो मतलब यहाँ मेहमान के हिसाब से रह रहा हूँ। हम तो आए थे बांग्लादेश से, आए थे बांग्लादेश के बोतर के पास है, कुछ लोग मिला है उनके ऐसे पार हो गए, जैसा कि कुछ पैसा दिया या तो पैसा दिया, किसी ने पैसा भी नहीं लिया। मैं तो आया था 2016 में, कुछ लोग तो 2012 से आए। दज्जाल आएगा, वो झूठा दावा करेगा, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, अल्लाह पर विश्वास करेंगे। जो अल्लाह को नहीं मानता वो जलेगा दोजख में जी, जरूर।